दोस्तों वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने सीटेट प्रैक्टिस सेट का वो आगे क्वेश्चन लेकर के। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कल की वीडियो में बात किया था, आज क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत करेंगे। आई होप आप लोगों ने देखा होगा और मेथड जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज हम लोगों के सामने ये क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, देखिए क्या है। जैसा कि मैंने कहा हुआ है, कंटिन्यू मैं अब प्रैक्टिस सेट आपको सीटेट के सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होता है और मेथड्स क्या क्या अप्लाई किए जा सकते हैं उनमें, और शॉर्ट में या लॉन्ग में उनका कॉन्सेप्ट क्या है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए इसी के लिए। वैसे ये 6 to 8 का प्रैक्टिस सेट है जो मैं करवा रहा हूँ, पर मैथमेटिक्स का 6 to 8 एंड 1st to 5th में सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, लेवल स्टैंडर्ड थोड़ा सा कभी ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, क्या है। 2 वर्ष पहले खरीदी गई किसी मशीन के मूल्य में 12% वार्षिक ब्याज की दर से अवमूल्यन होता है, तो इसका वर्तमान मूल्य 9,680 रुपया है, तो इसका क्रय मूल्य कितना था। तो देखिए समझ लें, ये जो अवमूल्यन होता है इसको इंग्लिश में डिप्रिसिएशन कहते हैं। आमतौर पर कोई चीज़ हम खरीदते हैं तो कुछ समय बाद उसका रेट गिर जाता है। जैसे सोचो, अगर आपने एक बाइक 50,000 की खरीदी है तो 2 महीने बाद भी आप बेचोगे तो 40-45 इसी तरह बिकनी है, 50 की तो बिकनी नहीं है, ठीक है। तो उसी को डिप्रिसिएशन या हिंदी में अवमूल्यन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस इसको चाहिए। ऐसे केस में आप याद रखिए कि देखिए पॉपुलेशन की बात हो या डिप्रिसिएशन की बात हो, जो जनसंख्या वाले क्वेश्चन होते हैं वहाँ भी आप यही फार्मूला लगाते हो, ए इज इक्वल टू पी 1+R/100^n, ठीक है। वैसे ये आप अगर पहचान रहे हो, ये अमाउंट का फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में बताया जाता है। अमाउंट क्या होता है, जिसे हम मिश्रधन कहते हैं, यानी कि प्रिंसिपल। आपने कुछ उधार लिया, 100 रुपया उधार लिया और 10 रुपया ब्याज दिया, 110 रुपया हुआ, वही अमाउंट हो गया और प्रिंसिपल कितना 100 रुपया, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, ए लिखा हुआ है, ये समझो कि जो बाद का रेट है वो, और पी मतलब पहले का रेट, ठीक है, ओके। अब जैसे देखो यहाँ पे एक चीज और है, इसमें 2 तरह से कंडीशन बनती है। किसी किसी क्वेश्चन में दिया रहता है कि भाई उसका रेट बढ़ गया है, हाँ, जैसे पॉपुलेशन का ये कह दिया कि किसी शहर में 2% के रेट से ईयरली बढ़ रहा है तो 2 साल बाद कितना। तो अगर बढ़ने का केस होगा तो आप प्लस लगाओगे, और जब घटना अवमूल्यन डिप्रिसिएशन होगा तो यहाँ पे आप माइनस लगाओगे, याद रखना, ठीक है। तो बाद की पॉपुलेशन कितनी हो गई है, 9,680, सॉरी पॉपुलेशन नहीं है, रेट है, तो मैंने ए की जगह लिख दिया 9,680, पी हमें निकालना ही है, और आर रेट कितना है 12% है, यानी आर की जगह 12 रख दिया अपॉन 100। एन क्या होता है, जो समय दिया रहेगा 2 वर्ष, यानी टाइम 2 ईयर दिया है। देखिए यहाँ पर हम एलसीएम ले वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर कट रहा है तो हम पहले ही कट करें तब सॉल्व करें, इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाती है। 4 3 12 एंड 4 25 4 100, सो दिस इज 9,680 इज इक्वल टू पी, एलसीएम लूंगा तो 25 1 + 25 माइनस 3, तो 25 से 3 गया कितना 22/25, स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर लगा है तो मींस हम इसे मल्टीप्लाई में 2 बार लिखेंगे कुछ ऐसे, 22/25 × 22/25। अब पी चाहिए तो इसको उधर ले जाएंगे, सो पी इज इक्वल टू 9,680 × 25 × 25 / 22 × 22, ठीक है, हमें पी चाहिए ना, तो बाकी सब एक तरफ कर दें। ये जो डिनोमिनेटर में है, हर में है, ये ऊपर चला जाएगा, और ये जो आप ऊपर देख रहे हो ये नीचे आ जाएगा। अब हम इसे कट करेंगे, ठीक है, अगर मैं इसे 11 से देखो कट रहा है, 11 2 = 22, ये भी 11 से कट रहा है, 11 8 = 88, 8 बचेगा ये भी 88 बन जाएगा ये, ठीक है। फिर इस 2 से भी इसको काट दूं तो यहाँ 4 4 0, ये 22 से कट गया, तो कितना आया 22 2 = 44, यानी 20 आया। मींस जो हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल है, 25 × 25 आपको पता हो 625 होता है, × 20, इसका मल्टीप्लाई कर लें, ये कितना 1250, यानी 12,500, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब 2 साल पहले उसी मशीन का कितना रेट रहा होगा, 12,500। इस क्वेश्चन को, इस फार्मूले को आप अच्छे से याद रखिएगा। जैसा कि मैंने कहा, अगर बढ़ने का केस है तो वहाँ पे हम प्लस लेंगे, और डिप्रिसिएशन या अवमूल्यन होता है तो क्या करते हैं, माइनस लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 10th क्वेश्चन।
तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एक मानचित्र का पैमाना 1:3×10^6 है। इस मानचित्र में दो नगरों के बीच की दूरी 9 सेंटीमीटर है। नगरों के बीच वास्तविक दूरी क्या होगी किलोमीटर में हमें बताना है। देखिए जो पैमाना है जिसे हम स्केल कहते हैं, आप लोगों ने ग्राफ देखा होगा, छोटी क्लास में हम लोग ग्राफ बनाते थे। मान लीजिए इसे पॉपुलेशन ही ग्राफ पे रिप्रेजेंट करनी है तो वहाँ पे आप जैसे कि अब दिखाना है किसी नगर की पॉपुलेशन 10 लाख, तो अब हम क्या उस ग्राफ पेपर पे 10 लाख खाने ढूंढ लेंगे? नहीं ना, इतना बड़ा ग्राफ पेपर कहाँ पाएंगे। तो वहाँ पर हम लोग कुछ स्केल सपोज करते थे कि हाँ भाई ये जो 1 बिग स्क्वायर है इसके इक्वल में 1 लाख, ठीक है, कि मतलब ये जो एक वर्गाकार खाना है इसके बराबर 1 लाख। तो इस तरीके हम कुछ ना कुछ स्केल लेते थे अपनी सुविधा अनुसार। तो वही इस क्वेश्चन में भी है, इन्होंने कहा है कि 3×10^6 को ये 1 लेंगे। अच्छा, तो आमतौर पर ऐसे इसको समझो 1:3×10^6 ये प्रोपोर्शन में किसके साथ होगा, इनके बीच की दूरी कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो कह रहा है नगरों के बीच की दूरी वास्तविक दूरी क्या होगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे वास्तविक दूरी का यहाँ पे सेंस है कि अगर मैंने 3×10^6 को 1 लिखा है ना, तो 9 को कितना लिखूंगा, यही ना। तो जैसे हमने क्या किया, इसको सपोज कर लिया कि इसको x लिखेंगे और ये कितना है 9, तो ये अगर मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करते हैं तो देखिए यहाँ पर फिलहाल यहाँ उल्टा लिख गया, यहाँ 9 लिखिए, 9 को क्या लिखेंगे ये बताना है। तो इसको आप चाहो तो x या y जो भी चाहो ऐसे सपोज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको मालूम ही होगा एक फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि ये जो इसके बीच में है इन पदों का जो गुणनफल है वो इन किनारे वाले पदों के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब सीधा है कि x×1 = हो जाएगा 9×3×10^6 यानी 27×10^6 सेंटीमीटर, क्योंकि पहले उसने बोला कि ये सेंटीमीटर में है और पूछा किस में है, किलोमीटर में है। तो इसका मतलब है कि ये जो 10^6 सेंटीमीटर है ये क्या हो जाएगा, 270 किलोमीटर हो जाएगा। कैसे, देखिए आप लोग अच्छे समझ लें, आपको याद होगा कि 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर होता है एंड 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर मुझे सेंटीमीटर को किलोमीटर में करना है तो 3 0 इसके 2 0 इसके 10^5 हो जाएगा ना, इधर 6 पावर था तो 1 0 मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब एक बार देख लें जैसे ये कैसे अगर यूज हुआ है, अगर आप इसको आपको दिक्कत हो रही हो तो बिल्कुल सिंपली आप समझ लें कि हम 1 को लिख रहे हैं, 1 को क्या लिख रहे हैं, 3×10^6 को 1 लिख रहे हैं ना, तो जो डिस्टेंस 9 है क्या हो जाएगा, 9×3×10^6 यानी वही 27×10^6 जो कि हो जाएगा 270 किलोमीटर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा गुणनफल x²-2 1-3x+2x² में x² और x के गुणांकों का योगफल क्या है, गुणांक जिन्हें हम कोफिशियंट कहते हैं, मींस सम ऑफ कोफिशियंट ऑफ x एंड x²। अब देखो आप अगर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जैसे यहाँ पर 2x² लिखा है, अगर यहाँ पूछा जाए कि x² का गुणांक क्या है या कोफिशियंट क्या है तो आप कहेंगे 2, x का क्या है तो आप कहेंगे 3, ठीक है, यही होता है गुणांक या कोफिशियंट। अब ध्यान दीजिए ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे क्या करें कि सीधा इसी का लिख दें, बिकॉज यहाँ प्रोडक्ट का पूछा है इनके गुणनफल का, तो आपके पास दो तरीके हैं, एक सिंपली आप क्या करें इनका मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो और अगर मल्टीप्लाई पूरा नहीं करना चाहते भाई, पूरा तो हमारे काम का है नहीं, तो आप ध्यान से देखना, आपको मैं एक तरीका बताता हूँ बिना पूरा मल्टीप्लाई के आप समझ जाएंगे। हमें किसका गुणांक चाहिए, x² का। अब आप जरा ध्यान दो जब मैं x² का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 1 में तो क्या हो जाएगा x² और यहाँ करूंगा तो x³ हो जाएगा, जो मेरे काम का नहीं, यहाँ पूछा नहीं गया। इसमें करूंगा तो x²⁴ हो जाएगा, वो भी मेरे काम का नहीं है तो मैं उसे भी नहीं लिख रहा। अब -2 का जब इसमें करूंगा तो 2 आएगा, मेरे काम का नहीं है। इसमें करूंगा तो -, +, and 2 3 = 6x, और इसमें किया तो माइनस
2 × 4 x² तो ये 1 x² है और ये −4 x² है, माइनस हो जाएगा तो −3 x² + 6 x, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखो, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट या गुणांक है और जो एक्स का कोफिशियंट है उसका सम गुणन योगफल चाहिए। तो ये देखो, यही तो है एक्स का और ये है एक्स स्क्वायर का, यानी 6 + −3, ये क्या हो जाएगा, 6 − 3 क्या आ गया, 3। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो देखा आपने, बिना पूरा मल्टीप्लाई किए हमने जो चाहिए था निकाल लिया है, बिल्कुल आसान है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, पहले मैंने एक्स स्क्वायर का किया तो केवल वो टर्म लिखे हैं जहां पे या तो एक्स स्क्वायर आएगा या तो एक्स आएगा, केवल वही दो हमारे काम के हैं, बाकी नहीं, इसलिए मैंने बाकी नहीं लिखे। इसी तरह जब मैंने −2 का इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो केवल वही लिखे जिनमें एक्स स्क्वायर आ रहा है या फिर एक्स आ रहा है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए, आपको जैसे पता होगा कि सीटेट में क्या होता है कि 50 क्वेश्चन तो आपको न्यूमेरिकल बेसिस पर होते हैं और 50 पैडागोगी पे रहते हैं, ठीक है। तो जो सॉरी 15, तो अब आगे के क्वेश्चन उसी बेस पर हैं। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये 12 नंबर पे है हमारा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय पाठचर्या में गणित के अध्ययन का लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे प्रभावशाली गणित सीखें। प्रभावशाली गणित का क्या अर्थ है भाई? देखिए, मैथमेटिक्स हम सिखाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कह रहा है यहाँ पर पाठचर्या जानते हैं जहाँ पे हम एजुकेशन लेते हैं, जो सिस्टम है पाठचर्या का, सिलेबस या कह सकते हैं, ठीक है। तो गणित पढ़ाते हैं, उसका एम क्या होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना चाहिए कि प्रभावशाली गणित बच्चे सीखें। तो कह रहा है ये जो प्रभावशाली गणित है इसका क्या मतलब है? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सीखी गई गणितीय तकनीकों को समझकर उनका विनियोजित उपयोग करना। विनियोजित का मतलब है प्रॉपर वे में, मतलब ये है कि जो टेक्निक मैथ की वो सीख रहे हैं उनको वो यूज कर सकें प्रॉपर वे में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है खेलों और पहेलियों को हल करना। नहीं, ये तो भाई रीजन जो है सुटेबल नहीं लगता, पहेलियाँ हल करने के लिए थोड़ी मैथ सिखाया जाता है। गणित की प्रयोगशाला में ज्यामितीय प्रमेयों की जांच करना। नहीं भाई, 1st to 5th का बच्चा या 6 to 8 का प्रमेयों की जांच वहाँ करने प्रयोगशाला में नहीं जा रहा, ठीक है। फिर क्या है, गणितीय कार्य पद्धतियों और परिकलन प्रक्रियाओं का ज्ञान। देखिए यहाँ पे सबसे स्ट्रांग यही लग रहा है पहला वाला, सीखी गई गणितीय तकनीकों को समझकर उनका विनियोजित उपयोग करना, मतलब जो मैथमेटिक्स की टेक्निक उसने सीखी है उसका प्रॉपरली यूज करना, ठीक है। अब देखिए जो पेडागोगी है इसमें आप जानते ही हैं कि ऑलमोस्ट मिलते जुलते ऑप्शन रहेंगे, पर आपको देखना होगा कि कौन सा बिल्कुल सुटेबल बैठता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है गणितीय उपकरण है, मींस जो मैथमेटिकल टूल्स होते हैं वो क्या होते हैं। इसके ऑप्शन मैंने नहीं लिखे क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व करने वाले हैं नहीं, तो हम पढ़ के आपको सुना देते हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। पहला ऑप्शन है परिकलन यंत्र, यानी परिकलन यंत्र किसे कहते हैं, कैलकुलेटर को, कैलकुलेटर, रूलर, नापने वाला फीता यानी टेप, चांदा, कोण मापक, प्रकार कंपास इत्यादि, पहला ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखें सूत्रों और संप्रत्ययों का आधारित चार्ट, ग्राफ पेपर, बिंदु सीट इत्यादि। देखिए आप देखेंगे तो पहले ऑप्शन में भी कुछ बातें फिट बैठती नजर आ रही हैं और दूसरे ऑप्शन पर भी, पर अभी हम यहाँ पे डिसीजन पे नहीं जा सकते, हमें आगे भी ऑप्शन देखने चाहिए कि क्या इससे भी ज़्यादा कोई सुटेबल ऑप्शन है। तीसरा है सभी प्रकार की सामग्री जिसमें संविष्ट है, देखिए कह रहा है कि ऑल टाइप्स ऑफ टूल्स, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, भाषा, लिखित संकेत, अर्थपूर्ण निर्देश जो कि उद्देश्य को स्थापित कर सकें, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है भौतिक पदार्थ जैसे जियो बोर्ड, त्रिविम यानी कि 3D जो मॉडल होते हैं और घनी छड़े इत्यादि। तो दोस्तों इसमें जो हमने तीसरा ऑप्शन पढ़ा था क्या था, सभी प्रकार की सामग्री जिसमें समाविष्ट है, यानी ऑल टाइप्स ऑफ टूल्स जिसमें इंक्लूड हैं क्या क्या, भाषा, लिखित संकेत, अर्थपूर्ण निर्देश जो कि उद्देश्य को स्थापित कर सकें, बिल्कुल वो सभी टूल्स ही होते हैं जिनको अब पढ़ने के लिए जिनकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो जो अगला क्वेश्चन है क्लास 6 की इकाई चतुर्भुजों को समझना, मीन्स कि टू अंडरस्टैंड क्वाड्रिलेटरल्स में चतुर्भुज के कोण मीन्स एंगल्स, योग, गुणधर्म से संबंधित मुख्य परिणाम कागज मोड़ने के क्रियाकलाप द्वारा
परिचित कराए गए हैं। भाई देखिए, जो आप हम लोग एक्टिविटी कराते हैं ना बच्चों को, मैथमेटिक्स में जो फार्मूले होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ कोई चीज़ वेरीफाई करनी है तो एक्टिविटी कराते हैं पेपर कटिंग द्वारा, ऐसा होता है ना, तो वही बता रहा है। और उसके पश्चात इन गुणधर्मों पर आधारित अभ्यास दिए गए हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे दिए गए उनको। इस स्तर पर कोणों के गुणधर्म का प्रमाण नहीं दिया गया है, ठीक है, यानी कि जो एंगल्स का जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है वो सही है या नहीं, ये प्रूफ यहाँ पे नहीं दिया गया है, क्योंकि सिक्स के विद्यार्थी इस समय वैन हिले के इस स्तर पर हैं। वैन हिले ने एक लेवल बताया था, वो क्या लेवल बताया था, अभी जो क्लास सिक्स का स्टूडेंट है वो एंगल्स को प्रूफ करने की कंडीशन में नहीं है। भाई स्टूडेंट का एक अलग अलग लेवल होता है, आप जैसे जानते हैं कि अगर प्री प्राइमरी का बच्चा है तो उसे ए बी सी डी का खा ही सिखाया जाता है, ठीक है, और जूनियर क्लास का अगर बच्चा है तो उसके भी हम क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, यही सब छोटी छोटी एक्टिविटीज़ वगैरह बताएंगे, ठीक है, पूरा उसका वहाँ पर थ्योरम्स नहीं होती हैं। तो वही कह रहा है कि ये किस लेवल पर हैं, तो देखिए पहला उन्होंने फोर लेवल यहाँ पे बताए थे, लेवल वन, लेवल जीरो, लेवल टू, लेवल थ्री, या स्तर जीरो, स्तर वन, स्तर टू, स्तर थ्री। तो देखिए इसमें जो सही है ना वो लेवल टू है इसका करेक्ट ऑप्शन। लेवल टू में अनौपचारिक निगमन, ठीक है, तो जो इनफॉर्मल प्रूविंग होती है उस पर है ये, ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यालयों में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन, सभी लोगों ने सुना होगा, मैथमेटिशियन थे बहुत बड़े, के जन्म की जयंती की स्मृति पर सीबीएसई ने गणित वीक यानी गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की, तो इस गणित का क्या अर्थ है, ठीक है। एक्चुअली वो जो गणित था ना, जी ए एन आई टी, ऐसा एक स्पेलिंग जो था, तो उसका उन्होंने एक मीनिंग निकाला हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण में अभिवृत्ति में वृद्धि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर पे, यानी कि इसका 16 नंबर होगा हमारा। एक शिक्षार्थी किसी विशेष आधार पर छांटने में, पैटर्नों को पहचानने में, संख्या और आकृतियों को नई परिस्थितियों में जानना, समय बताना, मापन में परेशानी दर्शाता है, उसको निम्न में से किस समस्या के साथ डिसकैल्कुलिया हो सकता है। देखिए डिसकैल्कुलिया किसके लिए होता है, आमतौर पर कहा जाता है जहाँ पे कैलकुलेशन की प्रॉब्लम हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है कि देखिए हम लोग जब पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को तो तमाम तरह के, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं बहुत अच्छे से समझ लेते हैं चीज़ों को, कुछ बच्चे होते हैं बहुत टाइम लगाते हैं, तो खैर उसमें तो आईक्यू पे डिपेंड करता है, पर प्रॉब्लम भी कई तरह की होती है। कुछ लोग क्या हैं कि अब जैसे मान लिया आपने ट्रायंगल उसको समझाया, क्वाड्रिलेटरल समझाया, अब उससे कहा बेटा क्वाड्रिलेटरल बनाओ, उसने फिर ट्रायंगल बना दिया, ट्रायंगल बोला क्वाड्रिलेटरल बना दिया, उसको वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, अंतर नहीं कर पा रहा है। और क्या दिक्कत हो रही है, समय मापना बताना और मापने में परेशानी हो रही है, तो इसको कहा जाता है दृश्य स्थानिक कौशल, ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दृश्य स्थानिक कौशल। अगला क्वेश्चन है, क्लास सिक्स की पाठ्य पुस्तक से यानी जो बुक होती है, निम्नलिखित प्रश्न को पढ़िए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, पूर्णांकों का ऐसा युग्म लिखिए जिनका योगफल एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो जो उपरोक्त प्रश्न उल्लेख करता है, देखिए जैसे इस तरह का क्वेश्चन दे दिया ना कि जैसे कोई दो इंटीजर बताओ या दो पूर्णांक बताओ जिसे जोड़ने में एक नेगेटिव इंटीजर आए, तो आप जानते हो ऐसे बहुत सारे हो, जैसे हो सकते हैं 2 ± 3 हो सकता है या -2 ± 3 हो सकते हैं, ऐसे जाने कितने यहाँ, लेकिन हमें हल करके नहीं बताना है, यहाँ बताना है कि ये किस तरह का उल्लेख करता है। जैसे पहला है पहला ऑप्शन है चिंतन पूर्ण प्रश्न, नहीं बंद अंत वाला प्रश्न, नहीं बहुविषयी प्रश्न, ये जो ऑप्शन है खुले अंत वाला प्रश्न, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य क्या है, प्राइमरी लेवल, ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है कि गणितीय अवधारणों को समझ लें, वृद्धि और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं को तर्कसंगत रूप से हल करना, यानी जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से समझ लें, और उसमें
अपनी समझ को बढ़ाकर उनके क्या अप्लीकेशंस है, उनके क्या अनुप्रयोग है, फिर तर्क संगत रूप से हल करना। भाई जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई स्टेप लिखते हैं, तो क्यों होता है, कैसे होता है, इसका जवाब जरूर हमारे स्टूडेंट को पता होने चाहिए। जब वो जानेगा तभी वो खुद से उसका प्रयोग कर सकेगा। यानी कि पहला ऑप्शन ही मुझे बिल्कुल करेक्ट लगता है, लेकिन आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। दूसरा है केवल समस्याओं को हल करने की तकनीकों को सीखना नहीं, बहुत सारे नए सूत्रों और परिकलन प्रक्रियाओं को, ये भी ठीक नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्या क्वेश्चन था हमारा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का क्या तात्पर्य है, यानी कि हायर जो अपर प्राइमरी है उसमें मैथमेटिक्स सीखने का क्या मीनिंग है। तो वही बता रहा है कि गणितीय अवधारणाओं को समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं को तर्कसंगत रूप से हल करना, ठीक है। यानी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है और उनके अप्लीकेशंस क्या हैं उनको यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में गणित की भाषा विकसित करने के लिए चार चरण इस क्रम में है। अब क्लास में हम मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज है उसको डेवलप करने के लिए क्या सीक्वेंस है यहाँ पर, तो देखिए इसमें जो सीक्वेंस होगा मैं करेक्ट ऑप्शन आपको बता देता हूँ। प्रतिदिन की भाषा पहले पे क्या है, प्रतिदिन की भाषा इसमें गणितीय परिस्थितियों की, फिर भाषा गणित की समस्याओं को हल करने की भाषा, फिर प्रतीकात्मक भाषा, ठीक है ना भाई। नॉर्मल हम लोग पहले प्रतिदिन की भाषा पे आते हैं, फिर उसके बाद में क्या होता है गणितीय परिस्थिति की बात करेंगे, गणितीय समस्याओं को हल करने की भाषा, और फिर प्रतीकात्मक भाषा, सिंबल्स वगैरह मैथमेटिक्स में यूज किए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लास सिक्स की ज्यामिति की कक्षा में, ज्योमेट्री की क्लास है, अध्यापक ने विद्यार्थियों को 30, 60 और 90 डिग्री के एंगल के मेजर करने के लिए बोला, मेजर नहीं एक्चुअली बनाने के लिए कहा, और उसे विभाजन करने को कहा यानी डिवाइड करने को बोला। उसके बाद स्टूडेंट्स को 15 और 45 का कोण बनाने के लिए कहा। इस समय कार्य अध्यापक का ये जो प्रयोजन दर्शा रहा है वो क्या है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों की समझ तथा सीखे गए दो कौशलों को समन्वित करने का आकलन। भाई स्टूडेंट को हमने टास्क दिया भाई कि पहले चलो 30 डिग्री 45 डिग्री बनाओ, फिर उसको डिवाइड करने के लिए बताया, फिर 45 एंड 90 का दे दिया। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि इसमें जो क्लासिफिकेशन है जो बीच में, क्या वो समझ पा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या रूपरेखा में गणित शिक्षा का स्थान दो महत्वों पर है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को कैसे संलग्न कर सकती है और यह विद्यार्थियों की क्षमताओं को कैसे सुदृढ़ कर सकती है, ठीक है। मैथमेटिक्स से क्या है हर स्टूडेंट का, भाई देखिए सीधा कनेक्शन क्या होता है, आमतौर पर दिमागी तौर पर मैथ का काम होता है। ऐसे स्टूडेंट जो मैथ में बहुत अच्छे होते हैं आमतौर पर उनका दिमाग भी बहुत अच्छा होता है, बाकी सब्जेक्ट भी अच्छे ही हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोग आ गए हैं। अब केवल हमारे पास 9 क्वेश्चन बचे हैं, और ये जो 9 क्वेश्चन है ना ये सॉल्व करने वाले हैं, ये पैडागोगी से रिलेटेड नहीं है। तो कल के वीडियो में मैं उनको सॉल्व करके आप लोगों को दूंगा, ठीक है। और ये पैडागोगी के अगर क्वेश्चन आप नहीं चाहते हैं तो आप बताइएगा, फिर मैं केवल सॉल्व करने वाले ही बताया करूंगा। लेकिन मैंने सोचा कि उस पर भी डिस्कशन हो जाए ताकि आपको इससे रिलेटेड भी डाउट दूर होते चले। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।